तो फिर क्या डिसाइड किया तुमने? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों जबरदस्ती प्यार कर बोलकर मुझे सता रहा है? मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगी। क्यों नहीं? तू हाँ क्यों नहीं करेगी? मेरी हाइट नहीं है, मेरा वेट नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है या पैसे की कमी है? तुझे आखिर चाहिए क्या? एक बार बोल, मैं सब दूंगा। पिछले 6 महीनों से मैं तेरे पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ। मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तूने इस बार हाँ नहीं की ना तो तू क्या करेगा? हाँ, ये जानती है क्या है? एक बार तेरे चेहरे पे डाल दिया तो तेरा चेहरा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ और करने पर तू मजबूर मत कर। एक बार हाँ बोल दे, तुझे रानी रानी बनाकर रखूंगा। लव चाहिए या एसिड चाहिए तू डिसाइड कर ले। कल सेम प्लेस सेम टाइम, कल मुझे तेरा फाइनल फैसला सुनना है। सर, गाड़ी पंचर है। सर, कम से कम 22 बार इसे अरेस्ट किया है सर। झूठे गवाह पेश करके ये बच जाता है सर। बचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। बच्चे, उस सेठ की लड़की के साथ क्या किया? क्या ने दो ना सर। तूने कैसे किया मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, तुमने क्या किया ये पूछ रहा हूँ। अरे वो लंबी कहानी है सर। सर, वो नहा रही थी, मैं सीधा अंदर चला गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया सर। मैंने उसके मुंह पे कपड़ा ठूसा, फिर भी वो शांत नहीं बैठ रही थी सर। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। सामने एक लाठी पड़ी हुई थी, मैंने उसे उठाया और सटाक से उसके सर पर मारा। वो धड़ाम से नीचे गिर गई। फिर मैंने अपना पूरा काम कर लिया सर। बाद में उन्होंने मुझ पर केस कर दिया। बहुत भारी है ना, तकलीफ हो रही थी इसलिए निकाला। अब ये बताओ, तूने 12 साल की लड़की के साथ क्या किया? सर, वो 12 साल की नहीं थी सर, वो तो 18 साल की थी। मैंने उस लड़की को जाल में फंसा कर आराम से मार डाला सर। सुना क्या आपने, कितना खुश होकर बोल रहा है। और कितनी लड़कियों के साथ? अरे यही कोई 15-20 लड़कियों के साथ सर। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची है। 12 साल की लड़की है ये भी नहीं सोचा? छोड़ देता तो 4 साल की बच्ची को भी अपने शिकार बना लेता। बच कर भाग रहा था, एनकाउंटर में मारा गया, ऐसी FIR लिखो। ओके। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बैठिए। सर, किसी भी तरह से उस गुंडे से मेरी बेटी को बचा लीजिए सर, प्लीज सर। क्या हुआ? ऐसा ही होता रहा तो हम अपनी बेटियों को कैसे हिम्मत करके घर से बाहर भेज सकते हैं सर? कल वो कितने बजे आने वाला है? 4:30 सर। क्या रे, आज तो वक्त से पहले ही तो मिलने के लिए आ गई। प्यार करेगी ना मुझसे? हाँ, करूंगी। मुझे पता था, एक बार झटका लगाओ तभी लड़की लाइन पर आती है। एसिड का नाम लेते ही तू भीगी बिल्ली बन गई। अरे तू डर मत मुझसे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ जानू। आई लव यू बोलना था तुझे। ए, तू यहाँ वहाँ क्या देख रही है रे? कोई आने वाला है क्या? ज्यादा श्याण पट्टी की ना, तो एसिड अभी भी है, तेरे चेहरे पे डाल दूंगा। उस लड़की के चेहरे पर एसिड फेंकेगा तू? तेरी तो अभी तक ठीक से मुँह से भी नहीं निकली तेरी, और प्यार करने चला है। ऐसे मजनू की तरह बाइक पर आकर ऐसा बोलने से लड़की तेरी दीवानी हो जाएगी क्या? प्यार करता है, मुझे पालेगा क्या? अगर वो लड़की कहेगी कि तुमसे प्यार करती है तो क्या करेगा? उसे संभाल पाएगा? उसे पालने की ताकत है तुम में? पढ़ने लिखने की उम्र है इसलिए चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। सीधी तरह ये सब छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर दोबारा किसी लड़की को एसिड से डरा कर प्यार करने के लिए मजबूर करेगा तो तुझे क्या करोगे सर? जान से मारोगे? जेल में डालोगे? शूट करोगे? मुझे शूट करोगे? आप कुछ भी कर लीजिए, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस मेरा भेजा मत घुमाओ। अगर मैंने केस दर्ज कर लिया तो 6 साल के लिए अंदर जाएगा। बेकार में तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सर,
ये सारी धमकियां किसी और को देना सर। मैंने उससे प्यार किया है, उसे भी मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। अगर उस लड़की ने मेरे प्यार को ठुकराया ना तो वो जिंदगी में कभी सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेगी सर। ए, ना समझ। प्यार क्या होता है तुझे पता है? पता है? पता है क्या? पता है क्या? पता है क्या? इसे देख, ये कौन है मालूम है? ये यहां दुनिया भुलाकर एक जिंदा लाश की तरह क्यों पड़ी है पता है? इसकी इस हालत की वजह क्या है कम से कम इतना भी पता है तुझे? प्यार से, प्यार तक, प्यार के लिए। क्या इससे भी ज्यादा प्यार कर पाओगे तुम? इसने जिससे प्यार किया वो कौन है जानते हो? बास कहीं का जिसने तुझे खाना खिलाया उसी को काटने गया। हाँ भाई 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 माफ कर दो, भाई 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 माफ कर दो। इधर आ भाई। भाई गलती हो गई भाई, भाई बस इस बार मुझे माफ कर दो भाई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा भाई। ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरे साथ खाया, मेरे साथ पिया, मेरे साथ घुमा फिरा और अब मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाकर मेरे साथ दगाबाजी कर रहा है। गलती हो गई भाई, इस बार माफ कर दो भाई। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है भाई, अब से मैं आपके घर का कुत्ता बनकर रहूंगा।
कभी सर नहीं उठाऊंगा भाई, आपकी हर बात मानूंगा भाई, मुझे माफ कर दो भाई, भगवान के लिए माफ कर दो भाई, माफ कर दो। उठ जा, उठ जा, उठ जा, बैठ जा। अरे डर मत रे, बैठ जा। ए, जा इसके खाने के लिए जल्दी से चिकन बिरयानी लेकर आ, बेचारा भूखा है। ठीक है भाई। भाई मैं खाना खा करके आया हूँ। अरे खा ले रे। भाई भाई मैं देता हूँ। मुरारी। देखो मुंबई का बहुत बड़ा भाई बोल रहा था ना, उसे कैसे टपका कर आ गया, इसे कहते हैं असली भाई। ये असली मर्द है, समझा? अरे बेटा जा ब्रीफ केस लेकर आ। मुरारी एंजॉय योर सेल्फ, मजे करो, जाओ। ठीक है। छह महीने में 53 मर्डर हुए हैं, ये प्रजा राज है या गुंडा राज है, ऐसा सभी मिनिस्टर पूछ रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जिंदा है या मर चुका है कहकर मीडिया वाले हम पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन पब्लिक शांत बैठी है सर। व्हाट आर यू टॉकिंग? फैक्ट है सर, पिछले 6 महीने में जितने भी मर्डर्स हुए हैं उनमें से 2-3 केस को छोड़कर बाकी सभी गुंडों के, लैंड माफिया, ऑयल माफिया, ट्रेवल माफिया, ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स के ही है सर। और इन्हें कंट्रोल कौन करता है आपको पता है? हर एक के पीछे 4-4 पॉलिटिशियंस का हाथ होता है या अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ होता है। और जब हम इनके पीछे पड़ते हैं तो हमें कहीं और ट्रांसफर करके फेंक दिया जाता है सर। अब इन लोगों का आपस में ही लड़ झगड़ कर मरने का वक्त आ गया है सर। इन्हें मरने दीजिए, इनके मरने से समाज में कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? हाँ सर, 1989 से 95 तक सरकार ने इसी तरह गुंडों को आपस में लड़वा कर मरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब तो बिना कोई कदम उठाए आपस में ही एक दूसरे से लड़कर मर रहे हैं सर, इससे समाज का भला हो रहा है सर। तो फिर मुंबई के सुपारी किलर जॉन का मर्डर किसने किया? जाना गाना बजाना, खाना पीना मौज मनाना, हम दिल के राजा हैं, फितरत से बिंदास हैं, खुल के जिए ऐश करे अपना ये अंदाज है। रे आना जाना गाना बजाना, खाना पीना मौज मनाना। चांस प्यारे कर लेते हैं डांस प्यारे, लव में जो हाथ मारे हमसे देवदास भी हारे, हम जो चाहे वो ही कर ले अपनी अलग बात है, हम मत वाले सबसे निराले दिल में वो जज्बात है, शास्त्रों की और वेदों की भाषा हमको न समझाना। हे आना जाना गाना बजाना, खाना पीना मौज मनाना।
हैं हम दिल के राजा हैं, फितरत से बिंदास हैं, कुल के जिए ऐश करे अपना ये अंदाज है। यारी में जो चाहे वो कर जाए, सारी हदें तोड़ के हम हद से गुजर जाए, हम दिल वाले फिर नहीं माने एक बार जो ठान ले, पीछे मुड़ के देखे नहीं और मंजिल को पहचान ले, कहती है दुनिया हमसा नहीं है कोई और दीवाना, हे आना जाना गाना बजाना, खाना पीना मौज मनाना, हे हम दिल के राजा हैं, फितरत से बिंदास हैं, कुल के जिए ऐश करे अपना ये अंदाज है, आना जाना गाना बजाना, खाना पीना मौज मनाना, हम दिल के राजा हैं, फितरत से बिंदास हैं, कुल के जिए मौज करे अपना ये अंदाज है। ला 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 ला। ए, कहाँ जा रही है सनी लियोनी? मुरारी के पास, अगर कोई काम है तो बताओ, हाथ पैर सर जो मांगता है वो हो जाएगा, 50-50। तू है तेरी जिंदगी पर, उसके पीछे मत पड़ बेटी, वो वैसे ही गुंडा है, टपोरी है, उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सब 420 हैं, वो तुझे ना रगर रगर कर खा लेगा। वो खाए इसलिए तो मैं आइटम पे आइटम बनाकर उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे छूता भी नहीं, क्या करूँ मैं, वो मुझे जरा भी भाव नहीं देता। अरे रे 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 रे, कैसी लड़की है तू, तेरे ये कपड़े, तेरा ये फैशन, थू, तुझे ना अपनी पोती कहने में मुझे बहुत शर्म आती है। तू रखी है क्या, देसी मुर्गी का शिकार करके बोटी फ्राई, चिकन ड्राई, हैदराबादी बिरयानी बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने, बस खुशबू नहीं आ रही है क्या? आ रही है, तेरे आने पर खुशबू ना आए ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा ये बता, इतने आइटम किसके लिए है? यार के लिए। यार कौन है वो? मुरारी। मुरारी, वो क्या तुझसे प्यार करता है? तो क्या वो तुझसे प्यार करेगा? कर भी सकता है, क्यों मैं अच्छी नहीं दिखती क्या? जाती है कि तू एक पांच, हाँ? ए, जा रे, खुद को बड़ी हीरोइन समझती है। अरे छोड़ना। मैं तेरे लिए देसी मुर्गी की पली देकर डिफरेंट डिफरेंट आइटम बनाकर लाई हूँ। हाथ लगा कर बात मत किया कर। तो फिर चिपक कर बात करूँ क्या? जाना। खैर छोड़, शादी के बाद तो छूना लिपटना ये वो तो होता ही रहेगा, अभी गर्मा गर्म बिरयानी खा लो। मैंने खाना खा लिया। खा लिया? हाँ तो खा लिया, तो अब इस बिरयानी का क्या करूं? इस भुक्कड़ को दे दे, खाकर मरने दे। दुखिया साले पंच। नमस्ते भाई। बस मैं आ गया यहाँ। चलता हूँ भाई। सबको टिप्स देकर सबके एप्लीकेशन वापस ले लिए हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है भाई, उसे गोली भाई का सपोर्ट है। आप उसे डराएं, धमकाएं या टपकाएं मुझे नहीं पता, कॉरपोरेशन का टेंडर सिर्फ मुझे मिलना चाहिए।
एस्टीमेट कितने का है? 3 करोड़ का भाई। मुझे कितना दोगे? भाई 15% दूंगा ना भाई, 10% एमएलए को, 10% कमिश्नर को, 10% इंजीनियर को, 5% अध्यक्ष को और 5% कमेटी मेंबर्स को, कुमास्ता से लेकर सील लगाने वाले लोगों तक सबको 5%। इस तरह 45% तो बांटने में चला जाएगा भाई। पता है 1 करोड़ रुपए का काम है और 3 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। 45% रिश्वत देने पर भी 2,55,00,000 रुपए बचते हैं। उसमें से आधा जाएगा रस्ते में और आधा तेरे अकाउंट में, है ना? 25 दे दूंगा भाई। 50 लूंगा भाई। वो ठीक है भाई, इसमें 25 लाख हैं एडवांस समझकर, आप ले लीजिए। अब चलता हूँ, नमस्ते भाई। कहिए ना, मैं ही सदानंद सेट्टी हूँ। हाँ, उस बॉम्बे अपार्टमेंट की बुकिंग अब शुरू हो गई है। मैंगलोर में रिवर ब्रिज का काम भी स्टार्ट हो गया है। फ्लाईओवर का काम कैंसिल नहीं, चल रहा है। सब इंजीनियर देख रहे हैं। और क्या, एक मिनट, किसी की भी बात मत सुनिए, काम शुरू कीजिए। पुलिस प्रोटेक्शन लेकर काम शुरू कीजिए, ठीक है ना? समझ गए ना? फोन रखो। बोलिए पांडे जी, जरूर आइए। मोस्ट वेलकम सर। ए, कौन है भी तू? हरी हरी मुरारी मुरारी। अंडर ब्रिज टेंडर वापस ले ले। क्यों? मैं वापस नहीं लूंगा, ये मेरी डील है। मैं भी डील करके आया हूं और मैं भाई को जुबान देकर आया हूं। भगवान की आज्ञा का ये मुरारी पालन करता है। धमकी दे रहा है तू मुझे? तेरी धमकियों से ये शेट्टी डरने वाला नहीं है। अगर तूने मेरे साथ ज्यादा नाटक किया ना तो बॉम्बे से आदमी आएंगे चुटकी चुटकी बजाते ही। आ, आ। इस मुरारी को मारने बॉम्बे से आदमी बुलाएगा? हाँ नहीं, नहीं। चुटकी बजाई इसलिए उंगली काटी, अगर तू ताली बजाता तो तुझे मैं नहीं, मैं टेंडर वापस ले लूंगा, टेंडर वापस ले लूंगा। तुम ग्रेट हो ब्रदर, ग्रेट। तुमने तो किसी को भी कॉर्पोरेशन के गेट के पास आने तक नहीं दिया। मेरी ना पहुंच काफी ऊपर तक है इस शहर में। यहाँ वहाँ काम करवाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है। अगर इसी तरह एक के बाद एक टेंडर मुझे मिलते रहे ना, पूरा कॉर्पोरेशन मेरे अंडर आ जाएगा और मैं माल पे माल छाप कर बैकग्राउंड में गुंडों की फौज रख कर इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा एमएलए, फिर मिनिस्टर बनूंगा और फिर सीएम बनूंगा। गुरु 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 गुरु, गुरु। क्या हुआ? सेट्टी सेट्टी। और पीएम मैं बनूंगा। तो क्या हुआ? अरे लेकिन यार, उसने टेंडर का डील हमको दिया यार, इसीलिए वो मारा गया। डील मिली थी भाई को, भाई ने वो डील मुझे दी और मैंने खत्म की। बाकी चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है गुरु। लेकिन यार देख भाई, आंसू बहाने के लिए ना ही वो देशभक्त था और हमदर्दी दिखाने के लिए ना ही वो मेरा रिश्तेदार था। सभी गुंडों और राजनेताओं का रिश्ता खाना खाकर हाथ धोने जैसा होना चाहिए। क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों बैठी है तू? तुझे खाना नहीं खाना है क्या? मुझसे भी पहले खाना खाकर मुरारी को याद करके हर वक्त उछलती रहती थी, तो आज क्या हुआ है तुझे? आ खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, तुम ही खाओ। लेकिन दादी। ए, जो बोलना है जल्दी बोल। दादी दादी करके मुंह लटका कर मत बैठ। क्या हुआ है बोल। दादी
मैं मुरारी से कितना प्यार करती हूँ लेकिन वो तो मेरी केयर ही नहीं करता। इतनी सी बात है क्या? कुछ और बात है ये सोचकर मैं डर गई थी। उस मुरारी को नचाने वाली पुंगी मेरे पास है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर। आंटी आज मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी लग रही है तू। अरे यार वो नहाने गया है या गांव को नहलाने गया है? कितनी देर हो गई? रानी वाह, पहले तो सनी लियोन बन के घूम रही थी, अब पूरी सती सावित्री लग रही हो। मैं अब शरीफ लड़की लग रही हूँ ना? लग रही हो लग रही हो। अगर तुम शरीफ हो गई तो मैं तो महाशरीफ हो गया ना। शराफत से बोला करो, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। अब बुरा मत मानना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं मुरारी के पास जा रही हूँ और उससे शादी की बात करूँगी। चलती हूँ। हाँ ठीक है भाभी जी, बाय। ऐसे मत देख गुरु, शर्म आती है। ये क्या होलिया बना रखा है? ये सब तुम्हारे लिए है मुरारी। दादी ने कहा तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपना बदन ढक कर रखना चाहिए। जो अपने पति से पूछ कि तुम्हें कैसे रखना चाहिए। कौन है तेरा पति? पति मतलब मर्द जो आंखें खोलने से हर जगह नजर आए, जो बाहुबली जैसा एक बहादुर हो। इस रानी का एक ही राजा है और वो सिर्फ तुम हो। ए, बस कर। हा? तेरा नाटक बहुत हो रहा है, सीधी तरह वटले यहाँ से, लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। हम दोनों पति पत्नी होने वाले हैं, कोई कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर। तू आज ऐसे क्यों पेश आ रही है? सर पर भूत सवार हुआ है क्या? भूत नहीं, लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत, आशिकी। गुरु मुझसे कब शादी करेगा? किस लिए? मैं तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, तुम्हें नहलाऊंगी, तुम जो कहोगे सब करूंगी। सीधी तरह कह रहा हूँ तो अपने हद में रहना। देख एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, अच्छे से सोच कर बताना मुझे। बुरे वक्त पर गधे को बाप बनाने में ही समझदारी है, फिलहाल हाँ कहना ही सही होगा। ठीक है ठीक है, बाद में देख लेंगे। ये दिल बेजान परिंदा मेरे इश्क से हो गया जिंदा, जब से इसने पंख खोले इसके सर पे चढ़ के बोले प्रेम का जादू, होले 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 बेकाबू, होले 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 बेकाबू। था ये दिल बेजान परिंदा, हाँ मेरे इश्क से हो गया जिंदा। जब से इसने पंख खोले इसके सर पे चढ़ के बोले प्रेम का जादू, होले 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 बेकाबू, होले 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 बेकाबू। प्यार की राहों पे चले तो पीछे अब ना मुड़े, मेरे तुम्हारे प्रेम के धागे इतने तुझे से जुड़े। ए, ये जमाने वाले चाहे हाँ कहे या ना
कहे। हम हैं प्रेमी, प्रेम करेंगे चाहे या मरे। हाँ ये दिल बेजान परिंदा, हाँ मेरे इश्क से हो गया जिंदा। जब से इसने पंख खोले, इसके सर पे चढ़ के बोले, प्रेम का जादू हले 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 बेकाबू, हले 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 बेकाबू। जितना है नदिया में पानी, उतना प्रेम करे। हाँ दुनिया चाहे जान भी ले ले, मरने से न डरे। आज सनम ये खाए कसम, हम होंगे अब ना जुदा कभी। प्यार के दिल में क्षमा जलेगा, मुझे न पाएगी तो कभी। हाँ ये दिल बेजान परिंदा, हाँ मेरे इश्क से हो गया जिंदा। जब से इसने पंख खोले, इसके सर पे चढ़ के बोले, प्रेम का जादू होले 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 बेकाबू, होले 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 बेकाबू। नमस्ते। नमस्कार भाई। ओए ब्लेड, ये क्या लगा रखा है तुमने? लंगोट बांध कर बेड उठाने से भाई की तरह आसमान नहीं छुपाएगा कभी। यहाँ पुलिस के रिकॉर्ड से लेकर असेंबली की चौखट तक हर एक की जुबान पर से मुरारी के ही चर्चे हैं। तेरे बाप ने उसे चट्टान की तरह बनाया है और तू है कि यहाँ लोखंड पकड़ कर सिर्फ उठक बैठक किया जा रहा है। ऊपर जा। ओहो, आओ भाई आओ बैठो। क्या समाचार है भाई? इलेक्शन जीत गए, सोचा मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर मेरी पूरी कुंडली का वीडियो बनाकर दिल्ली हाई कमिश्नर को मेरी रिपोर्ट करने जा रहा है। अगर उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख ली ना, तो मैं मिनिस्टर तो क्या, कभी MLA भी नहीं बन पाऊंगा। वो तो है ही, सरकार अपनी है ये सोचकर उस CM ने DCM से लेकर पूरे विधानसभा को ही जुलूस में शामिल करके घर घर में पैसा, शराब, TV, फ्रिज देकर रिश्वत की हर हद पार कर दी। ऊपर से उस CM का काम वाली बाई के साथ रंगरेलियां वाला वीडियो भी बनाकर रखा है उसने। वो शांत बैठेगा क्या? ये सब सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। वो दिल्ली नहीं पहुँचना चाहिए बस। अगर पछता नहीं है तो कम खाना चाहिए ना। कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली जा रहा है। मतलब वो दिल्ली नहीं पहुँचना चाहिए? हाँ वही। मुरारी, Thank you.
आपका काम तो हो गया ना? हाँ सर। एक मिनट, क्या हुआ मुरारी? भाई, कमिश्नर की गाड़ी में बच्चे भी हैं। आज नहीं, कल करूंगा। टाइम नहीं है, आज ही खत्म कर दे। भाई, इस शहर में मेरे बेटे के लिए 3 BHK का एक सुंदर सा घर बनाकर देना होगा आपको, ठीक है ना? और फिर हाँ बोल। ए भाई को फोन दे। भाई अभी बिजी है, जो बोलना है मुझसे बोल। डील कैंसिल हो गई बोल दे। ए, डील कैंसिल कर दिया? हाँ मुरारी, डील कैंसिल। अगर भाई ने कुछ कहा तो भाई से मैं बात कर लूंगा। ठीक है मुरारी। भाई, मुरारी ने कहा है कि डील कैंसिल हो गई है, क्या करना है? ए, तुझे पैसा पानी हम देते हैं या मुरारी देता है? जो भाई ने कहा है ना, वो काम पूरा करके ही यहाँ पर आना। ठीक है भाई। भाई तो फिर मुरारी का क्या? फोन ऑफ करके रख, जो कह रहा हूँ वो कर, समझा? क्या हुआ? ब्लेड ने फोन ऑफ कर रखा है। देवेंद्र को फोन लगा। क्यों लगा? मैं बताता हूँ। इसका भी फोन ऑफ है। भगवान, तो मुझे बेचारे बच्चों को भी मार डाला। यार मेरी बात सुन यार। ए, छोड़ मुझे। अरे छोड़ ना गुरु। नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी बोल यार, तूने जो किया ना बिल्कुल सही। तो भाई ने क्या हाँ, वही मैंने किया। मैंने मना किया था ना तुझे। तू ऑर्डर देने वाला होता कौन है? इसे क्यों मार रहा है? बेचारे उन मासूम बच्चों को भी मार डाला इसने। ए, सुपारी देने वाला मैं हूँ। मैंने मना किया था ना। हट, तू कौन होता है मना करने वाला? अरे तू तो मेरे फेंके हुए टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता है। तूने बहुत बड़ी गलती की, बेकार में उन लोगों से पंगा ले लिया तूने। बाप भी खतरनाक है और बेटा भी खतरनाक है। अरे कौन है खतरनाक? हाँ, असल में खतरनाक हम लोग हैं। उनका सारा काम हम ही तो करते आए हैं, उनमें कहाँ इतना दम है। फिर भी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। देख, मैं मौत से कभी नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। चलो। ताजा है ना? ये लो भैया। हरि ओम नमः, 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 हरि ओम नमः। ओ पुजारी जी,
नाग बन करके क्यों जा रहे हो? मछली की बात आ रही है। मछली की क्या, मरने के बाद आपके बदन से भी आएगी तो क्या मरी हुई मछली खानी चाहिए क्या? अगर हम पानी में डूबकर मर जाए तो मछली हमें खाती है, मछली पानी से बाहर आकर मरती है तो हम उसे खाते हैं, ये गलत है क्या? पानी बिना मछली नहीं, मछली बिना पानी नहीं, मछली का पानी से बहुत ही खास रिश्ता होता है। हे भगवान, ये तो बेकार की बातें करके मेरा धर्म भ्रष्ट कर रही है। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम हरिओम नमः हरिओम नमः हरिओम नमः हरिओम नमः हरिओम नमः हरिओम नमः। अरे नालायक कहीं का चुप रह। किसके लिए इतनी सारी मछलियाँ? किसके लिए? मेरे राजा के लिए है। अगर इसने खा लिया ना तो ये पक्का गया। अरे ओ मेरे राजा, दोपहर के टाइम पर खाना खाने आ जाना। मैं ये सब नहीं खाता। मेरे प्यारे भाइयों, अपने दोस्त को थोड़ा समझाओ, ये मछली खाने से दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी, समझदार हो जाएगा और जवानी का नशा रग रग में दौड़ने लगेगा। अगर एक पंच दूंगा ना तो 10 दिन बिस्तर से उठेगी नहीं तू। चलो रे। हार मत मान बेटी, मेरा कहा करती जा, एक दिन तेरा प्यार गिड़गिड़ाते हुए तेरे पास आएगा। मुरारी किसने भेजा यहाँ पर? बोल, बोलता है कि मरने के लिए कोई भी गाड़ी हो सर। झूठ बोलता है, मरने के लिए हमारी गाड़ी मिली है। मुझे क्या करना, किसी की भी गाड़ी हो सर, मुझे मार डालिए सर, मुझे मार डालिए सर, प्लीज प्लीज सर। रुक, क्यों मरना चाहता है तू? बताने से सब ठीक हो जाएगा क्या? भाई से जवान लड़ाएगा तू? ये कौन है पता है? कौन है? ए मुरारी भाई, नाम तो सुना है ना? हाँ। वो यही है। सर, सर, आप कौन है ये जाने बिना मैं बहुत कुछ कह गया। सर आपने आज तक बहुत से लोगों को ठिकाने लगाया है, मुझे भी लगा दीजिए सर। ए तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्यार है भाई, प्यार। भाई मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है भाई। हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं भाई, लेकिन उसका बाप हमारे प्यार के खिलाफ है भाई। सिर्फ एक ही वजह है कि मैं गरीब हूँ और वो अमीर है, और इसी कारण वो उसकी शादी किसी और से कर रहे हैं भाई। भाई पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की है भाई। भाई इसीलिए मैं मरने के लिए निकला हूँ भाई, मैं नहीं जी सकता भाई, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ठीक है मैं देखूंगा। इसके झमेले में मत पड़ो भाई, ऐसा मत कीजिए भाई। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये वॉच बाइक चेन मैं सब कुछ दे दूंगा भाई। भाई उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, और मेरे बिना वो भी नहीं जी पाएगी। भाई मना मत कीजिए भाई, प्लीज भाई मुझे उससे मिलवा दीजिए भाई, प्लीज भाई। तेरा नंबर क्या है? 9986015904। उसका नाम काव्या है भाई। खुशियाँ भी लाई है जिसकी दुआएं मांगी रात दिन, तू चली जाएगी तेरी याद आएगी, कैसे रहेंगे हम तेरे।
भी बुलाए। रूप ये तेरा फूल सा चेहरा लाखों में एक है, 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 है। आएगा डोली लाएगा तेरा साजना रांझना। किसी ने जरा भी होशियारी की ना तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। कौन है तू? छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी को। ए, तेरे बेटी को मैं पैसों के लिए किडनैप नहीं कर रहा हूँ। ये जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी करवाऊंगा। साले शांत रहेगा तो सलामत रह पाएगा, वरना जान से जाएगा। ए, मेरी बेटी किसी से प्यार नहीं करती है, छोड़ उसे, छोड़ दे मेरी बेटी। कोई होशियारी नहीं। पुलिस स्टेशन, उठाकर ले जा रहा है। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। वो देखिए, वो जा रहा है सर, सर। हमारे पीछे पुलिस पड़ी है यार। क्या पुलिस? मुरारी को फोन लगाता हूँ। हाँ बोल। अरे हमारे पीछे पुलिस पड़ी है यार। पुलिस? तुम लोग निकलो जल्दी से। और तू यार? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग निकलो जल्दी से। अरे लेकिन यार तू, चला फोन कट कर।
है मेरे को। ए, ए, ए लड़की, ए, 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 हेलो, अरे, ए, अरे रुक, अरे, अरे रुक ना, अरे लड़की, ए बात तो सुन। ए, ऐसे चिल्ला क्यों रही है? मैं कोई तेरा रेप नहीं करने वाला हूँ, तेरे प्रेमी से तेरी शादी करवाने वाला हूँ। नॉनसेंस। इडियट। कौन है मेरा प्रेमी? मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरी शादी करवा, मैंने तुमसे कहा था तुमसे। ए! मार दो मुझे, जान से मार दो मुझे। एक लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो तुझे मैं। फिर वो कौन है वो? क्या नाम था उसका? प्रशांत। वो एक मवाली है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। क्या, किसी से प्यार नहीं किया तुझे तो मैं? नहीं। रुक जा, रुक।
वो कौन है ये तुझे अभी पता चल जाएगा। बस उससे पूछ लूं, फिर तुझे दिखाता हूं। हेलो। हे, नमस्ते भाई। तेरा नमस्ते बाजू में रख, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। काव्य तुझसे प्यार करती है या नहीं? अगर वो मुझसे प्यार करती तो भाई मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ता है? क्या? उसके पीछे पीछे 2 साल से भटक रहा हूँ, बीमारों की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं अपनाया, इसलिए उसे अच्छे से सबक सिखाने के लिए सुसाइड का नाटक करके तुम्हें बेवकूफ बनाया। रियली तुम ग्रेट हो भाई, उसकी शादी रोक कर उसको किडनैप कर लिया है। इतने बड़े गुंडे ने उसे किडनैप किया है, तो अब उससे कौन शादी करना चाहेगा है? मेरे प्यार को ठुकराने वाली इस घमंडी लड़की को कभी किसी का प्यार नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तुमने मेरे झूठ को सच समझकर पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। मैंने ये जो किया है वो जानने के बाद तुम मुझे जिंदा तो छोड़ोगे नहीं, इसलिए मैं शहर से दूर जा रहा हूँ। वो लड़की मुझे तो नहीं मिली, कम से कम तुम मजे कर लो। बिंदास, ओके बाय गुरु। सर, इंस्पेक्टर, मेरी बेटी मिली क्या? मेरी बेटी मिली क्या? इंस्पेक्टर, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? काव्या, काव्या कहाँ हो बेटी? सॉरी सर, हमने उन लोगों का बहुत पीछा किया, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो जाने के कारण वो हमारे हाथ से बच निकला। तो फिर मेरी बेटी इंस्पेक्टर? डोंट वरी सर, हमने हर जगह नाकाबंदी कर दी है, उसे हर जगह हमारी पुलिस तलाश कर रही है, उनका बचकर निकलना नामुमकिन है। आपकी बेटी सही सलामत घर पहुंच जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर, एक जवान बेटी को शादी के समय आयन वक्त पर मंडप में आकर एक गुंडा चाकू दिखाकर उसे यहाँ से उठाकर ले गया। पता नहीं मेरी बेटी के साथ वो क्या सलूक करेगा। मेरी बच्ची को जान से ही मार डालेगा। Please try to control yourself. हमें मिली जानकारी के मुताबिक अगर वो गुंडा मुरारी ही है तो उससे आपकी बेटी का कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मुरारी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के अनुसार उसने आज तक किसी लड़की का रेप किया हो या खून किया हो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है सर। पैसे के लिए बेशक गुंडागर्दी करता होगा, लेकिन किडनैपिंग या डकैती उसने कभी नहीं की। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। बाय द वे, आपकी बेटी को किडनैप करते वक्त उसने कुछ कहा था, क्या कहा था? उसके प्रेमी के साथ उसकी शादी करवाऊंगा कहा था। मतलब अपनी बेटी के प्यार को लेकर आप बहुत नाराज थे क्या? नहीं, उसे तो ये प्यार व्यार पसंद ही नहीं था, और अगर प्यार होता भी तो मैं उन दोनों की खुद ही खुशी खुशी शादी करवा देता इंस्पेक्टर। तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? एक नंबर के नालायक हो तुम लोग, एक नंबर के नालायक। उसको खत्म करके आने के लिए बोला था और तुम लोग मार खाकर वापस आ गए। अब वो शांत बैठने वाला नहीं है, देख लेना, एक एक को पकड़ पकड़ कर मारेगा, समझे? वो मुझे मारने आएगा और हम यहाँ बैठ कर देखते रहेंगे? वो मुझे मिलना चाहिए, मैं उसे जान से मार दूंगा। हाँ, हाँ। इतने प्रसाद से पेट नहीं भरा क्या?
दुश्मन को टपकाने के लिए सही प्लान बनाकर सही वक्त पर जाना चाहिए। अगर प्लान गलत हो गया ना तो हमारी मौत तो निश्चित ही है। ये अंडरवर्ल्ड का रूल है। तुम लोग ना समझी में सोए हुए शेर को पत्थर मारकर वापस आ गए हो। इससे पहले कि वो यहाँ आकर तुम लोगों का शिकार करे, तुम सब के सब बिल में छुप जाओ, समझ गए? नहीं तो तुम्हारा टेटुआ दबाकर तुम सबको खत्म कर डालेगा वो। हाँ, होशियार रहना। धोखा, भरोसा करके धोखा खा गया। प्यार को डील समझने के बजाय फील कर बैठा, तभी इतनी बड़ी गलती हो गई। तुमने फील नहीं किया है, डील ही किया है। अगर फील करते ना तो प्यार को चुटकी नहीं ताली समझकर पहले आके मुझसे पूछते। इस तरह मेरी शादी रोककर मुझे किडनैप करके मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करते तुम। ए, क्या अब ऐसा क्या हुआ है? आज शादी नहीं हुई तो कल हो जाएगी। चल, मैं खुद तेरी शादी उसी लड़की से करवाऊंगा। फिलहाल मुंह बंद रख। मेरी शादी करवाने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हें गुंडे हो, मवाली हो, खूनी हो, मेरी बात कौन मानेगा? जब तुम मुझे उठाकर यहाँ ले आए उसी वक्त मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब मैं कभी भी सर उठा के नहीं जी पाऊंगी। अब तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन इस वक्त हम जंगल में फंस गए हैं यार। झूठे, तुम मेरे साथ कुछ करने का प्लान तो नहीं बना रहे ना? कुछ नहीं करूंगा। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। तेरी जात का तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ तुझे। रुक, तेरा सर ही बोल देता हूँ। पागल है क्या तू? एक दूंगारा कान के नीचे बेचारी लड़की है सोचकर मदद कर रहा हूँ, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। हट जा, मर। ऐसे क्या देख रही है? आजा, आना। ए, लेखा। छी, ये गंदा है, मैं नहीं खाऊंगी। गंदा है? ए, ये तेरे बाप का घर नहीं है मनपसंद बनाने के लिए। ये जंगल है, जो मिले वो खाना चाहिए, नहीं तो फिर लुढ़क जाएगी। कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। तेरा पेट तू ही देख, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहता बाबा। आहा, क्या मस्त है। शहर से ज्यादा इस जंगल में बड़ा मजा आ रहा है। नो पोल्यूशन, नो रिलेशन, फुल फ्रेश है। इसकी भैंस की टांग, इतने बड़े जंगल में ये कहां चली गई? कहीं किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया इसे? नहीं नहीं, आ,
अच्छा, कितनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रिचेबल नॉट रिचेबल नॉट रिचेबल आ रहा है। वो लोग कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है यार। मैंने उसको बोला था झमेले में मत पड़, लेकिन मेरी बात नहीं माना, अब देखो। अरे ये सब छोड़ो यार, चलो पहले उसको ढूंढते हैं। ओए गली गली में पुलिस ढूंढ रही है उसे। ए, तो क्या पुलिस के डर से हम लोग अपने दोस्त को भूल जाएं क्या? एक बात कह देता हूँ, उसके लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे ठोक दूंगा। कहाँ है वो? सर माँ कसम हमें कुछ नहीं पता। झूठ बोला तो सबको ठोक दूंगा। उसने उस लड़की को किडनैप क्यों किया? सर सच कह रहा सर, हमें कुछ नहीं पता सर। फिर से झूठ बोल रहा है। उस लड़की का कोई प्रेमी नहीं था। अब बताओ किडनैप करने की वजह क्या थी, बताते हो या तुम? माँ कसम सच कह रहे हैं सर, कोई प्रशांत नाम का लड़का था। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये बात उनके बाप को पसंद नहीं। प्रशांत को लड़की नहीं मिली तो वो आत्महत्या कर लेगा, ऐसा बोला उसने। उन दोनों को मिलाने के लिए मुरारी ने उसे किडनैप किया, सच कह रहे हैं सर। तो फिर वो प्रशांत कहाँ है? हमें नहीं पता सर। झूठ नहीं पता, झूठ बोल रहे हो तुम लोग सर। तो फिर वो लड़की कहाँ है, मुरारी कहाँ है? पता नहीं सर। पता नहीं, सच के नहीं पता। इन सब की चमड़ी उधेड़ दो। उस लड़की को कहाँ छुपाया है पता करो। सर इस मोबाइल से फोन करके ट्राई किया था सर, स्विच ऑफ बता रहा है सर। इन लोगों ने भी मुरारी का फोन ट्राई किया था सर, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा है। मैंने भी बहुत ट्राई किया था सर, नॉट रिचेबल बता रहा है सर। ध्यान देते रहिए, जैसे ही सिग्नल मिलेगा वो इनके मोबाइल पर जरूर फोन करेगा। ठीक है सर। मिला क्या? नहीं भाई, पुलिस डिपार्टमेंट भी ढूंढ रही है भाई। तो तुम लोग क्या झक मार रहे हो? जब पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी तब उसकी लाश लेकर मेरे सामने आओगे क्या? और वो मुरारी, वो पैसों के लिए लाशें बिछा सकता है, लेकिन किसी औरत या लड़की की इज्जत के लिए खुद भी मर सकता है। पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा, जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है उस कमीने को जल्दी से खत्म कर डालो। मेरे सिर पर गन रखने वाले का सिर मुझे चाहिए। आजा आजा आजा, जंगल की पत्तियां खाकर बहुत तगड़ा हो गया है हाँ? तुझे खाने में बहुत मजा आएगा बेटा। हे, ये क्या कर रहे हो? रोमांस कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इसे अब काट काट कर कबाब बनाऊंगा। इसे मार दोगे क्या? और क्या, निकलूंगा थोड़ी ना। अरे पापी, इस बेजुबान जानवर को मारोगे क्या? कैसे इंसान हो तुम? हे मदर इंडिया, इसे मारूंगा नहीं तो पेट में क्या डालूंगा हाँ? अपने पेट की भूख मिटाने के लिए तुम इस प्यारे जानवर की जान लोगे? इसके शरीर में भी जान है, इसे भी जीने का हक है। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक प्यारे मासूम जानवर की जान लेना चाहते हो तुम? तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है? उसकी तरफ देखो, बेचारा डर के मारे कांप रहा है। Thank you.
उसी दिन लैंड डीलर मर्डर केस में मुरारी को फिट करके अंदर कर देते तो आज इतने सारे इंसिडेंट नहीं होते। ये गुंडे एक दूसरे से लड़कर मरेंगे सोचकर कानून हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है, और वो कानून की आंखों में धूल झोंककर समाज का दुश्मन बनकर हमें कठपुतली की तरह नचाता रहता है। इसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम वेरी सॉरी सर। वेरी सॉरी? आपके सॉरी बोलने से मैं चुप बैठ सकता हूँ? पब्लिक चुप नहीं बैठेगी, मीडिया चुप नहीं बैठ सकती। वो एक बहुत खतरनाक इंसान है, मिनिस्टर एमएलए के जरिए मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है। क्या जवाब दूं मैं उन सबको? 4 दिन हो गए लड़की को किडनैप हुए और एक छोटा सा सुराग भी नहीं मिला। क्या कर रही है हमारी पुलिस? टेल मी। हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, उसके गैंग को अरेस्ट करके इंक्वायरी भी की, लेकिन उसका कोई भी क्लू नहीं मिला। उसका मोबाइल लिंक नहीं हो रहा है, आउट ऑफ रीच आ रहा है। तो वो सिग्नल की जगह से बहुत दूर चला गया होगा। इसलिए सर, सिटी से बाहर जहां जहां सिग्नल कैच नहीं हो रहा है, तो सभी गांव और फार्म हाउस में भी हमारी तलाशी जारी है। अब बचा क्या है? वो डायरेक्शन जहां से वो गया, और वो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट? यस सर। इतने दिनों से क्यों छोड़ा? वो जंगल बहुत घना है, और वहां पर उसे रहने के लिए ना ही जगह मिलेगी और ना ही एक वक्त का खाना मिलेगा सर। और तो और परसों पूरे एरिया में जोरदार बारिश हुई है सर, इसलिए उसका वहां जाना नामुमकिन है सर। और अगर वो गया भी हो तो इतने दिन उसका वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। क्या किसी को पता है कि ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को क्यों उड़ाया? मिस्टर गोविंद, हमारे लिए जो इम्पॉसिबल होता है वो क्रिमिनल के लिए पॉसिबल होता है। फर्स्ट यू गो टू फॉरेस्ट, सर्चिंग, उन्हें जंगलों में ढूंढो। अगर वो मिल जाए तो उसका इनकाउंटर करके उस लड़की को किसी भी तरह बचाओ। प्रोसीड। Oh, my God.
जाने कैसा है बंधन, थोड़ा स्नेह है कुछ अनबन। जाने कैसा है बंधन, थोड़ा स्नेह है कुछ अनबन। कोई खता ना माफ हो, दे दो सजा इंसाफ हो। मुजरिम है तेरा शर्मिंदा। जो तुमको लगाया चैन मुझे भी न आया। कहना चाहूं कह नहीं पाऊं, खुद से रहो शर्माया। हो मुझ पे गुनाह की छाया। जाने ये कैसा है बंधन, थोड़ा स्नेह है कुछ अनबन। काश समय थम जाए ना, दिन हो ना रात यही पर ये लम्हा जम जाए। हो एक दूजे में खो जाए। जाने ये कैसा है बंधन, थोड़ा स्नेह है कुछ अनबन। जाने ये कैसा है बंधन, थोड़ा स्नेह है कुछ अनबन। कोई खता ना माफ हो, दे दो सजा इंसाफ हो। मुजरिम है तेरा शर्मिंदा। संभल कर। ए क्या हुआ? अरे अरे रुक रुक रुक, हिल मत। बहुत दर्द हो रहा है क्या? घर में महारानी की तरह जीने वाली को इस जंगल में लाकर कांटे पत्थरों पर चला रहा हूं। तुमने सच कहा था, मैं इंसान नहीं हूं, राक्षस हूं। मैं नहीं मानती, अगर सच में तुम क्रिमिनल होते तो किसी अनजान आदमी के प्यार के लिए इस तरह वो आत्महत्या करेगा सोचकर उसे बचाने के लिए? अंजाम क्या होगा ये सोचे बिना दोनों प्रेमियों को मिलाने के लिए मुझे किडनैप करने का रिस्क नहीं उठाते तुम? अगर सच में तुम गुंडे होते ना तो मुझे बुखार से मर जाने देते, ना कि मेरा ख्याल रखते। जो दूसरों के दर्द को समझता है, जो एक औरत का सम्मान करना जानता है,
और जो अपनी खुशियों का त्याग करना जानता है वो बुरा इंसान नहीं हो सकता है। अगर तुम गुंडे बने हो, एक खूनी बने हो, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। प्लीज मुझे वो वजह बताओ मुरारी। तुम्हें तुम्हें मेरी कसम है। माँ, टिफिन तैयार हुआ क्या? स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। माँ आई बेटा, टिफिन बॉक्स वापस लाकर फिर से मेरी डांट मत खाना, वक्त पर खा लेना। चलता हूँ माँ। रुक ना, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, मुझे भी काम के लिए लेट हो रहा है। माँ मुझे बहुत देर हो गई है, तुम आराम से चली जाना, मैं अभी चलता हूँ। ओके बेटा, बाय बाय। बाय माँ। बाय बाय। नमस्ते भैया। अपना नमस्ते अपने पास ही रख। पैसे पैसे कहाँ हैं? कंपनी से एडवांस मांगा था, आज देने वाले हैं, कल दे दूंगी भैया। ओहो, तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। पति के इलाज के लिए उधार लिया और अब उसे मरे 6 महीने भी पूरे हो गए, ना ब्याज मिला और ना ही असल। जब देखो कल 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 करके मुझे बेवकूफ बना रही हो क्या? नहीं भैया, कल मैं पक्का दे दूंगी। हाँ, आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे, अगर कल मुझे पैसे नहीं दिए ना तो पति के पास जाओगी। हाँ माँ, मैं बड़ा होके ना बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और सारे कर्ज चुका दूंगा। माँ मैं तुम्हारे लिए रेशमी साड़ी खरीदूंगा, सोने के कंगन खरीदूंगा, बस तुम मत रो माँ। हाँ बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरे बाबा की आत्मा को तभी शांति मिलेगी, मेरा भी यही सपना है। भैया असल ब्याज पूरा चुकता होना चाहिए आज, बस। मैनेजर कल नहीं आया, पैसे कल मिलेंगे इसलिए थोड़ा मुझे पता था तू कुछ ऐसा ही कहेगी। हैं, तेरी कमाई, रोज के खर्च और तेरे बेटे की पढ़ाई के लिए, ऐसे में तू मेरा पैसा कैसे चुकाएगी? हैं, नहीं भैया, कल पक्का मिल जाएंगे। चुप, तेरी रोज रोज की कहानी सुनने के लिए मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। हाँ, वैसे भी तेरा पति मर गया है, रूप रंग तबीयत सब कुछ तेरा अच्छा है, तू मुझे सुंदर भी लगती है बस तू मुझसे एक बार कॉम्प्रोमाइज कर ले। ऐसी बातें करते आपको शर्म नहीं आती? आप कल आइए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे रुक ना, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू इतना गुस्सा कर रही है? मैं तो बस जीने की राह बता रहा हूँ, तुम बस एक बार कोऑपरेट करो, ब्याज मैं पूरा माफ कर दूंगा और असल फिर आराम से चुकाती रहना, क्या बोलती हो? छोड़ो मुझे भैया, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, छोड़ो मत जाओ भैया। माँ माँ क्या हुआ? माँ 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 उठो ना माँ। लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। पैसे लाए हो? नहीं है भैया। तो फिर जाओ यहाँ से। Hmm.
मारने को देता है कि मुझे नहीं? मत मारो, मैं देता हूँ, देता हूँ। कालिया नहीं। ए, नमक हराम, इस कालिया को टपकाने की कोशिश की? नहीं नहीं, रुक जा रुक जा। ए कालिया, ए, आ, आ, मेरी आंखें, अरे मेरी आंखें, क्या हो गया? वहीं से गुंडागर्दी की दुनिया में मेरी एंट्री हुई। पैसा ही जिंदगी है, पैसा ही बंदगी है, पैसा ही इज्जत है। पैसों के बिना कोई कुछ नहीं है, पैसा ही भगवान है। इस काम में बहुत पैसा है पता चला, और यही मेरा पेशा बन गया। सबने मुझे इसी काम के लिए इस्तेमाल किया। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो पढ़ लिख कर मैं भी विद्यावान बनता और समाज का एक अच्छा नागरिक बनता। लेकिन अब भी बदला जा सकता है मुरारी। इस रास्ते पर एक बार चल पड़ने से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। अब तो मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में है। अंधेरे से डर के आंख बंद रखोगे तो अंधेरे में ही रहना पड़ेगा ना। अगर आंख खोलने की इच्छा करोगे तो उजाला भी नजर आ सकता है। गाड़ी यहां पर है तो मुरारी यहीं कहीं होगा, चलो। काविया, हाँ? मिल गया काविया। क्या मिल गया? यही थोड़ी दूर एक गांव नजर आ रहा है, वहां जाकर अपने दोस्तों को फोन करूंगा ना तो सब यहाँ आ जाएंगे। फिर मैं तेरे बाप के पास जाकर मुझे माफ कर दीजिए कहूंगा। फिर तेरे पसंदीदा लड़के से ही मैं तेरी शादी करवा दूंगा। क्या हुआ काव्या, तुझे ये सब सुनकर खुशी नहीं हो रही है क्या? नहीं। क्यों? मुझे मनाया जा सकता है, मेरे पापा को भी मनाया जा सकता है, लेकिन जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो मानेगा क्या? मनाऊंगा, चाहे उसके पैरों पर गिरना पड़े, मैं उसे मनाऊंगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। किसी की होने वाली पत्नी
एक गुंडे के साथ 4-5 दिन जंगल में रह के आए तो कौन सा मर्द उसे अपनाएगा बता? तुम एक अच्छे इंसान हो मुझे पता है, लेकिन समाज मानेगा क्या मुरारी? एक गुंडा मुझे किडनैप करके ले गया ये जानकर कौन लड़का मुझसे शादी करेगा? बोलो, चुप क्यों हो मुरारी? बोलो, बोलो ना, बोलो। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब बर्बाद कर दी है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तो फिर कहो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? तो शादी कर लो मुझसे। क्या क्या कहा? मैं तुझसे शादी करूँ क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी दर्दनाक कहानी सुनकर तुझे दया जरूर आई होगी, लेकिन ये दया प्यार नहीं बन सकता, क्योंकि प्यार और तलवार के बीच लंबा फासला होता है। क्यों पता है? क्योंकि तलवार हमेशा नफरत करना जानती है, प्यार नहीं। आसमान और बारिश का इस धरती और अनाज से कहां से कहां तक रिश्ता है। आसमान में जब काले बादल छाते हैं तब वो बारिश बनके हम लोगों को जिंदगी देती है, ऐसा हम मानते हैं। ये घास, पेड़, फल फूल, प्राणी पक्षी, तुम मैं सब जी रहे हैं विश्वास के आधार पर, और ये जिंदगी भी विश्वास पे ही टिकी है। मैं तुम्हारे साथ जी पाऊंगी मुरारी, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे नहीं है। क्यों? मौत लगातार मेरा पीछा कर रही है। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ गुंडे हैं, और एक तरफ मेरे हाथों से अत्याचार सहे हुए लोग हैं। इनमें से कोई भी कभी भी आकर मेरी जान ले सकता है। नहीं मुरारी, तुम्हारे हाथ में तलवार होने की वजह से तुम्हें सब दुश्मन ही नजर आ रहे हैं। उस तलवार को फेंक के देखो, इस समाज में कितने अच्छे लोग हैं और ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। प्यार में जो खुशी है वो किसी भी चीज में नहीं। मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ पूछोगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत लड़की जब तुम्हें मिली तब बिना स्वार्थ के तुमने उसकी रक्षा की, और एक लड़की को विश्वास करने के लिए इतना काफी है। आई लव यू मुरारी, आई लव यू। बारिश बुझा ना पाएगी, प्यार कर बरसात फिर ना आएगी। ये प्रेम अगन बारिश बुझा ना पाएगी, प्यार कर बरसात फिर ना आएगी। जल का बदन तेरा अंगारा, खुद में संभाले मुझे तू यारा। मीठा सा दर्द जगा, ये प्रेम अगन बारिश बुझा ना पाएगी, प्यार कर बरसात फिर ना आएगी।
जानवर से पानी बरसे, प्यासा मन फिर भी तरसे। किसने तुमको रोका है, प्यास बुझा लो जी भर के। बरसे पानी बरसे, प्यासा मन फिर भी तरसे। किसने तुमको रोका है, प्यास बुझा लो जी भर के। टिप 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 बूंदे करती है दिल को दीवाना। रिम झिम रिम झिम बादल बरसे, नाचे मन मस्ताना। ये प्रेम मगन बारिश बुझा ना पाएगी। आ प्यार कर बरसात फिर ना आएगी। कर प्यार करे और ना इंतजार करे। हो प्यार ही प्यार की हो बातें और ना इंतजार करे। टूट कर प्यार करे और ना इंतजार करे। प्यार ही प्यार की हो बातें और ना इंतजार करे। हम तुम हो और तन्हाई हो, दूजा ना कोई हो। आँखों में आँखें और सांसें सांसों में कोई हो। ये प्रेम मगन बारिश बुझा ना पाएगी। आ प्यार कर बरसात फिर ना आएगी। ये प्रेम मगन बारिश बुझा ना पाएगी। आ प्यार कर बरसात फिर ना आएगी। काव्या, मेरी अंधेरे में डूबी हुई जिंदगी को तुमने अपने प्यार की रोशनी से रोशन कर दिया। मैंने आज तक किसी से कभी प्यार नहीं किया था। प्यार करना, प्यार करने वालों के साथ जीना, ये यही महसूस हुआ। तो फिर यहीं रहे क्या? यहीं इस पेड़, पौधे, प्राणी, पक्षियों के साथ? यहां कोई नफरत, खून खराबा कुछ भी नहीं है। और तो और, किसी चीज के लिए कोई पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस प्यार, प्यार मिल जाए तो बहुत है। हाँ, बेशुमार प्यार मिलेगा। काव्या, हाँ? पुलिस, चलो यहाँ से। ये तो अच्छी बात है, आप चलते हैं। कहाँ? पुलिस के पास। अगर मैं उनके हाथ लग गया ना तो वो मेरा एनकाउंटर कर देंगे। चलो यहाँ से। नहीं, मैं उन्हें समझा लूंगी। तुम उन्हें नहीं समझा पाओगी, तुम पुलिस वालों को नहीं जानती, तुम मुझे मरवा दोगी। काव्या, चलो यहाँ से। मुरारी, मैं अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाऊंगी। मैं कभी मौत से नहीं डरा हूँ काव्या, मुझे डर अपने इस प्यार को खो देने का है। मैं अपने इस प्यार को सदा के लिए जिंदा रखना चाहता हूं। पहले यहां से निकलकर शहर चलते हैं, बाद में कानून पुलिस कोई भी आए मैं सब संभालूंगा। चलो यहां से। We'll be right back.
हमारे साथ पंगा लेकर लड़की के साथ जंगल में रहकर आराम से सेटल हो जाएगा ऐसा सोच रहा था। नहीं ब्लेड, ये तलवार, चाकू, गुंडागर्दी, बदला, ये सब कुछ छोड़कर इसके साथ सुकून से जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका हूँ। शरीफ बनेगा? शरीफ बन गया रे, मस्त फिगर दिखाकर मैं संत बन गया हूँ, ऐसा बोलने से तेरी बात मानने के लिए पिछवाड़े से खाना नहीं खाता बेटा। Don't move. अगर जरा भी होशियारी की तो शूट कर दूंगा, छोड़ दो उसे।
प्यार। डैडी। आजा बेटी। कम ऑन काव्या। करो मत, आ जाओ काव्या। इतना सोच क्या रही हो बेटी, आ जाओ बेटी, आ जाओ। नहीं। वो अब कुछ नहीं कर सकता, डरो मत काव्या, कम ऑन। नो। काव्या, ये क्या कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या? यस डैडी, मैं पागल हो गई हूँ, इसके प्यार में पागल हो गई हूँ। ये कौन है पता है तुमको? एक गुंडा है ये, he's a criminal। हाँ, मुझे शादी के मंडप से उठा के ले गया, ये क्रिमिनल है। लेकिन उसके पीछे दो प्रेमियों को मिलाने का जो इसका मकसद था, वो महान है। आप सबको चीट करके मुझे जंगल में ले गया, ये गलत है। लेकिन अब तक मेरी रक्षा करता रहा, मेरा ख्याल रखता रहा, मेरी शादी उसी लड़के से करवाएगा बोल के मेरी इज्जत करता रहा, तो क्या ये अच्छा इंसान नहीं है? आप इसके पेशे की वजह से इसे गलत इंसान समझ रहे हैं, लेकिन मैं इसकी अच्छाई को जान के ऐसा कह रही हूँ। ये बहुत अच्छा इंसान है डैडी, ये बहुत अच्छा इंसान है। आई लव हिम डैडी। सर, मैं कौन हूं, मैं क्या था, क्या बना, कैसे बना, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह पता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। कानून के मुताबिक मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन मुझे इससे दूर मत कीजिए सर। इसकी वजह से मैं बदल चुका हूं, समाज का एक अच्छा व्यक्ति बनकर जीने की इच्छा जगी है मेरे मन में सर। मुझसे ये मौका मत छीनिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज सर। नो। एक गुंडे मवाली और हत्यारे के साथ मेरी बेटी की शादी करवाने के लिए मैं राजी नहीं हूँ इंस्पेक्टर। इसे आप जो चाहिए सजा दे सकते हैं, पर प्लीज मेरी बेटी को मुझे सौंप दीजिए। सॉरी मिस्टर प्रसन्न कुमार, एक अच्छे इंसान को क्रिमिनल बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन एक क्रिमिनल को अच्छा इंसान बनाना बहुत ही मुश्किल है, और ये काम आपकी बेटी ने किया है। शी इज रियली ग्रेट। दोनों को आशीर्वाद दीजिए। नो, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। सर, आप ऐसा करें या ना करें, मगर कानून इनके प्यार को मंजूरी जरूर देगा। इसे कभी माँ के प्यार की कमी महसूस ना हो, इसीलिए मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, और उसके बदले इसने मुझे दिया क्या? हे, तू मेरे लिए मर चुकी है। डैडी। मिस्टर प्रसन्न कुमार, देखो बेटा काव्या, रावण को राम बनाने की शक्ति सिर्फ प्यार में है, और तुमने इस चट्टान को मोम बना दिया, तो तुम अपने पिता को राजी नहीं करा पाओगी क्या? सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। मुरारी, तुम्हारे केस को मैं संभाल लूंगा, तुम काव्या को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना, ठीक है? तुम दोनों की शादी का इंतजाम भी मैं कर दूंगा, ओके? सर, आप हमारे लिए भगवान है सर। हे, उठो बुरारी। देखो, एक इंसान को इंसानियत से जीने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है, इंसान बना रहा तो बहुत है। टेक केयर, इसका ख्याल रखना। जी सर।
सुधर कर जीना चाहा तो भगवान ने उसकी जान ले ली सर। वो बहुत बुरा है, भगवान बहुत बुरा है सर। भगवान बहुत अच्छा है। मतलब उसकी मौत से आप खुश है सर? नहीं, वो जिंदा है इस बात से मैं खुश हूँ। क्या कहा आपने, क्या वो जिंदा है सर? वो देखो। नमस्ते सर। काव्या। ए काव्या, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ पता है? देखो रुको, पहले तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? कितनी अच्छी लग रही हो पता है? अब देखोगी तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हाँ, डन, ए केक है। ए, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? आओ केक कट करो। रुको। लो पकड़ो, फूंक मारोगी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर काव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे उस दिन के सदमे से ये बेचारी लड़की अपनी याददाश्त खोकर एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई है। बेटी के गम में बेचारा इसका पिता भी चल बसा, लेकिन आज भी ये मुरारी उस पर कई केसेस होने की वजह से आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन फिर भी गुजारा करने के लिए रिक्शा चलाकर दिन रात एक करके इस लड़की की सेवा कर रहा है। प्यार का मतलब एक दूसरे को समझना होता है। प्यार का मतलब एक दूसरे के लिए जीना होता है। प्यार का मतलब एक दूसरे के लिए त्याग करना होता है। यही है सच्चा प्यार। मुझसे गलती हो गई सर, आपने मेरी आंखें खोल दी है सर। किसी लड़की से जबरदस्ती करके उससे प्यार नहीं करवाया जा सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। मैं लोगों को समझाऊंगा सर, उन्हें ऐसा करने से मैं रोकूंगा सर। ये प्रेम मगन बारिश बुझाना पाएगी।